विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों प्रचार मोड में फिलहाल अभी से दिखाई दे रहे हैं। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स से जुड़ने के लिए अपनी पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी द्वारा एक पत्र तैयार किया गया है जो इस अभियान के तहत दिल्ली के लोगों को दिया जाएगा। इस पत्र में केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वादा किया कि राजधानी में बीजेपी के सत्ता में आने पर जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मैं मनीष सतिंदर आपके लिए जेल गए, इसका हमें जरा भी गम नहीं है, जरा भी दुख नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से हमने आपके साथ मिलके जो काम किए हैं वो काम बंद नहीं होने चाहिए, ये मेरी चिंता है। ये जो काम हमने किए हैं, अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तीर्थयात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिश्ते स्कीम, ये काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था और ना इनके करने की कोई मंशा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दिल्ली सरकार में आ जाती है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना पे आगे बढ़ गए हैं और हम ये राहत दिल्ली के प्रत्येक लोगों को देने वाले हैं। वो किसी भी हमारे गरीब अनऑथराइज कॉलोनी झुग्गी में रहने वाले उनको हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की योजना नरेंद्र मोदी जी की आगे बढ़ चुकी है। हम तो वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से शुरू किए, अब हरियाणा में प्रति महिलाओं को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं। कहां है अरविंद केजरीवाल जी?